कोपा अमेरिका 2024 दोस्तों ख़त्म हो चुका है। 2024 फाइनल मैच ख़त्म होने के बाद जो फाइनल अवार्ड सेरेमनी होता है उसके बारे में बताएंगे कि इसको क्या अवार्ड मिलता है। तो पहला आता है गोल्डन ग्लव्स विनर, जो इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा सेव निकाले वो रहे इमैनुएल मार्टिनेज, उनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। इमैनुएल मार्टिनेज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे जब उन्होंने ये अवार्ड कलेक्ट किया। नेक्स्ट आता है गोल्डन बूट विनर, जो कि लुतेरो मार्टिनेज को दिया गया। उन्होंने टॉप स्कोर किया इस टूर्नामेंट में, 5 गोल डाले, तो इसी वजह से उनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया। तो लुटेरो मार्टिनेज इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया अर्जेंटीना के लिए। गोल्डन बॉल विनर, जो कि इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और आप कह सकते हैं बेस्ट गोल्डन बॉल विनर जो इस टूर्नामेंट के रहे वो रहे जेम्स रॉड्रिगस, जिन्होंने टोटल 6 असिस्ट और 1 गोल किया कोलंबिया के लिए, इसी वजह से कोलंबिया फाइनल में गए। फेयर प्ले अवार्ड का विनर रहे कोलंबिया, जो कि अनुशासन से पूरी टूर्नामेंट खेले, एक भी विवादित हमला नहीं किया। नेक्स्ट अवार्ड आता है रनर अप टीम, जो इस टूर्नामेंट में रनर अप टीम रहे वो रहे कोलंबिया, जो कि फाइनल में हारे अर्जेंटीना के खिलाफ, जो कि आखिरी मिनट में लुतेरो मार्टिनेज के गोल के वजह से। विनर टीम 2024 कोपा अमेरिका, जो कि अर्जेंटीना, जो कि 16 बार जीत चुका है कोपा अमेरिका, और अर्जेंटीना के लिए मेसी 2 बार जीत चुका है कोपा अमेरिका। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।